नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। कटनी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक एवं समाजवादी नेता रघु ठाकुर की मौजूदगी में मंगलवार को कचहरी चौराहे में जिले की प्रमुख नदियों के संरक्षण और कटनी में शासकीय मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर धरना दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर प्रदेश की सत्ता में बैठी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नदियों के अवैध दोहन के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुल सकता है तो कटनी में क्यों नहीं। सभा को लोजपा प्रदेश अध्यक्ष विंदेश्वरी पटेल सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। सभा उपरांत आंदोलनकारियों ने नदियों के संरक्षण के लिए कटनी SDM के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। अरे मेडिकल कॉलेज, इसी तरह कटनी में मेडिकल कॉलेज का मांग पत्र भी कटनी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है। आसपास के गांव में कुओं में पानी नहीं है, तालाब में पानी नहीं है, खेत को पानी नहीं है और अगर इसको रोका नहीं गया तो सारा कटनी जिला अकाल का जिला बन जाएगा। तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि हमारे लोग संघर्ष करेंगे, कटनी के खनन माफिया के खिलाफ खड़े होकर लड़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जो घोषणाएँ हैं इन्हें घोषणाओं को जरूर करता है। आज पूरा प्रदेश कोई ना कोई खनन माफिया का प्रयोग करता है। मुरैना में SP के ऊपर, SDM के ऊपर ट्रैक्टर चलाते हैं, छतरपुर मार दिया जाता है, सारे प्रदेश पर जहाँ देखो अगर माफिया बना चाहिए। मुख्यमंत्री जी खाली भाषण से माफिया हारने वाला है, माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जो हाईवा है इन हाईवा को जब्त किया जाए। ये हाईवा पिछले दिनों कहाँ कहाँ चले हैं उस रेट का हिसाब किताब किया जाए। ये रेट के माफियाओं के पास, खनन माफियाओं के पास जो अकूत और अघोषित संपत्ति है इसको जब्त किया जाए और जनता के लिए, जीवन को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए।